आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 CBSE इकोनॉमिक सिलेबस 21-22। सो स्टूडेंट, CBSE ने बहुत बड़ा मेजर चेंजेस किया है इस बार सिलेबस के अंदर, और वो चेंजेस क्या है हम ब्रीफली आप लोगों को डिस्कस करके बता देते हैं। अब आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके अंदर आपको दो टर्म से पेपर देना है, टर्म वन एंड टर्म टू। सो हाउ विल यू गोइंग टू हैव टर्म वन, यू हैव अ MCQ बेस्ड पेपर ऑन दैट। और ये जो MCQ बेस्ड पेपर आपका आने वाला है इसके अंदर आपका टोटल वेटेज रहने वाला है 40 मार्क्स का, और आपको टाइम गिवन होगा 90 मिनट्स में सॉल्विंग का। सो व्हाट कम्स अंडर दिस, पार्ट ए के अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी बुक है, जो कि फर्स्ट बुक है आपकी, उसमें से कौन कौन से चैप्टर है जो कि आपके MCQ बेस्ड होने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका आता है इसमें मनी एंड बैंकिंग, जो कि आपका कवर करता है 6 मार्क्स। देन आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो कि आपके कैरी करता है 6 मार्क्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि आपकी कैरी करता है 6 मार्क्स। तो यहाँ अगर हम टोटल करें तो 18 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका पार्ट ए में से आने वाला है, और ये तीन चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड पार्ट बी के अंदर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी सेकंड बुक है स्टूडेंट्स, उसमें से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो कि 1947 से 1990 का है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये टोटल ओवरऑल आपका कवर करता है 12 मार्क्स। देन करंट चैलेंजेस फेसेस इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंजेस पे आपके चैप्टर्स है ये पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो तीनों चैप्टर्स मिला के आपके वेटेज कवर करेंगे 10 मार्क्स के। तो ये जितने भी चैप्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, इसका पेपर आपका बनने वाला है टोटली MCQ बेस्ड। तो टोटल आपके यहाँ पर हुए 22 मार्क्स के पार्ट बी, और पार्ट ए हुआ आपका 18 मार्क्स का। तो 18 और 22 जब हम प्लस करें तो आपका टोटल पेपर होता है 40 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट वर्क में आपको असाइन होते हैं 10 मार्क्स, और आपको पूरे साल में एक ही प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, हाफ आपको पहले कंप्लीट करना है और आधा आपको बाद में टर्म टू के लिए कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये भी आपकी पूरी बुक अगर हम मिलाए टोटल टर्म वन, तो वो टोटल कितने का होगा, 50 मार्क्स का पेपर हो गया। नाउ टर्म टू की बात करते हैं, जो कि आपका क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो ये थ्योरी का पेपर होने वाला है जो कि 40 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें भी आपकी जो दोनों बुक्स है, पार्ट ए में जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आपके कौन से चैप्टर्स है जो कि आ रहे हैं थ्योरिटिकल में, सब्जेक्टिव पेपर में, वो आपका नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स है जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो कि आपका 12 मार्क्स कैरी करेगा। तो ओवरऑल आपका 22 मार्क्स का जो पेपर है पार्ट ए में से आने वाला है एज अ सब्जेक्टिव पेपर वन। एंड पार्ट बी में आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपके करंट चैलेंजेस है जो कि फेस है इंडियन इकोनॉमी को, और एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर आपके कवर कर रहे हैं 12 मार्क्स। और एक और जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ये आपका कैरी करता है 6 मार्क्स का वेटेज। तो ओवरऑल 12 प्लस 6 आपका 18 मार्क्स का, यानी कि 18 मार्क्स का आपका पार्ट बी में से आने वाला है, और पार्ट ए जो आपकी बुक है उसमें 22 मार्क्स का आने वाला है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 40 मार्क्स आपके यहाँ कवर अप हो जाएंगे। सो टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर वहाँ कवर अप हो गया, और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 10 मार्क्स का है। सो ये जो 10 मार्क्स है टोटल मिलाओगे आप, तो 50 मार्क्स का आपका पूरा टर्म टू का पेपर होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, 12th के लिए ये जो सिलेबस था 21-22 का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।